वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया या फिर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होते हैं या इकोनॉमिक्स का और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन द एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स विद, कि मार्जिनल कॉस्ट जो सीमांत लागत हैं वो औसत लागत की तुलना में कम होती हैं। और ऐसा कब होता है, जब औसत लागत जो है वो कम होती हैं, लेकिन साथ में क्या कंडीशन वो हमको यहाँ पे बताना है। देखिए ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हैं और ये एवरेज कॉस्ट हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है, एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है। तो ऐसा कब होता है, जब आउटपुट जो है प्रोडक्शन है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है तो प्रारंभ में, शुरू में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कम होती हैं और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन आउटपुट, उत्पादन में वृद्धि के साथ में। सेकंड है, द प्योर मोनोपोलिस्टिक ऑप्टेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन, एक शुद्ध एकाधिकारी जो है वो संतुलन की जो स्थिति है, ठीक है, संतुलन उत्पादन का जो स्तर है वो कब प्राप्त करता है। तो संतुलन इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, सभी मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज डेरिव्ड फ्रॉम, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसको हम हिंदी में रूपांतरण वक्र कहते हैं, तो रूपांतरण वक्र जो है वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारा जो रूपांतरण वक्र है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है जो दो गुड्स से उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है, तो इसको हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, उत्पादन प्रसंविदा वक्र के द्वारा, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, मेज द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट इन सेकंड, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड हमको दे रखी हैं, तो इन दोनों में हमको कुछ आइटम दे रखे हैं, इनको हमें आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक हैं, ये किसने लिखी थी, मार्शल ने, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारा क्रम में, 3 आना चाहिए। उसके बाद में सेकंड हमारा है किंग्ड डिमांड कर्व जो है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्विजी ने दिया था, तो फिर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा, तो फिर आना चाहिए 4। और उसके बाद में लॉ ऑफ इंडिविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ के द्वारा, तो फिर क्या आना चाहिए, 2। तो हमारा जो सही आंसर है वो होना चाहिए 3142। इसका मतलब सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, एक एकाधिकारी हैं उसके ऊपर अगर उसके द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसके ऊपर अगर जीएसटी लगाता है तो वो जीएसटी से उसके लाभ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर जीएसटी लगाया जाएगा जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर, तो इससे क्या होता है, एकाधिकारी हैं चाहे दूसरा कोई भी फर्म है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग है। और सेकंड है, द मोनोपोलिस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ जीएसटी ऑन द कंज्यूमर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मोनोपोलिस्ट हैं उसके प्रोडक्शन के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, तो उस टैक्स का जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, शिफ्ट कर सकता है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए जो है वो क्या है, रॉन्ग है, और दूसरा आर जो है वो हमारा
द्वारा करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिक्स्थ, मार्केट डिमांड फॉर एनी गुड्स इज फंक्शन ऑफ, मार्केट डिमांड जो है वो किसका फलन है, किसके ऊपर डिपेंड होती हैं। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट है प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट गुड्स, वस्तु की जो कीमत होती है उसके ऊपर, सही बात है। दूसरा जो संबंधित वस्तुएं हैं रिलेटेड गुड्स से उनकी प्राइस के ऊपर, ये भी सही है। फिर उसके बाद में नंबर उपभोक्ता की आय के ऊपर, ये भी सही है। और फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता के जो पसंदगी हैं, जो टेस्ट हैं, रुचि हैं उसके ऊपर, इसका मतलब मार्केट डिमांड जो है वो इन सभी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। जो सारे हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है सेवन, पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन विल बेनिफिट, जो सरकार की संरक्षण नीति होती है, प्रोडक्शन पॉलिसी होती है प्रोटेक्शन, तो उसका जो लाभ है वो किसको मिलेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए जब सरकार के द्वारा संरक्षण की नीति लगाई जाती है, लागू की जाती हैं, तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं, जो स्केयर फैक्टर हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं उसका जो बेनिफिट है वो उसको मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है एट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड, जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं वो किन किन के बीच में अंतर करता है। एक तो रियल इकोनॉमी जो वास्तविक अर्थव्यवस्था है उसके बीच में, और दूसरा है मॉनेटरी इकोनॉमी के बीच में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जो हमको दे रखी हैं, इन दोनों को हमें आपस में मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखें साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन जो है, ठीक है, उसका जो संबंध है वो किसके साथ में है। उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है वो किसके साथ में संबंधित है, तो उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण के साथ में संबंधित हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, थ्री। उसके बाद में रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो हैं, तो रिलेटिव इनकम सापेक्षिक आय परिकल्पना जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं, उसका जो संबंध है वो ड्यूजनबरी का जो रेचेट इफेक्ट है उसके साथ में। तो थ्री के बाद में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। उसके बाद में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो हैं, तो जो स्थायी आय परिकल्पना है उसका संबंध किसके साथ में है, बैकवर्ड लुकिंग एक्सपेक्टेशंस के साथ में, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन जो है उसके साथ में है। तो फिर आना चाहिए फोर। और उसके बाद में जो हमारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है उसका इसका संबंध किसके साथ में है, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो इसके साथ में है, एज स्ट्रक्चर ऑफ द आयु जो संरचना है जनसंख्या की उसके साथ में। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए, 3, 1, 4, 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेंथ, दसवा, यहाँ पे हमारे पास में कथन दे रखा है और उसका कारण दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, जो ब्याज की दर है और बॉन्ड की जो कीमतें हैं उनके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा उसके बाद में हमको दे रखा है, ए बॉन्ड प्राइस रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट एग्रीड अपॉन ऑल द टाइम व्हेन बॉन्ड्स वाज इशूड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और उसके बाद में ये आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 11, यहाँ पे भी हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ और उसका रीज़न दे रखा है। सबसे पहला जो हमारा कथन वो क्या है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस यील्ड इन द लॉन्ग रन ए वर्टिकल फिलिप्स वक्र,
ठीक है, दीर्घकाल में जो फिलिप्स वक्र हैं उसका आकार किस तरीके से होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वाई अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और इसका जो रीज़न दे रखा है वो क्या है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज्यूम स्टेटिक प्राइस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा कह सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, जो फिलिप्स कर्व हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो फ्रीडमैन का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जो ए हमारा है वो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 12th, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंस बिजनेस साइकिल थ्योरीज मेज द नेचर ऑफ साइकिल अप्रोच गिवन इन लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट एक को हमको लिस्ट दो के साथ में कि ये जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल से रिलेटेड हमको कंसेप्ट दे रखे हैं वो किसने दिए हैं। सबसे पहला जो हमारा है कांस्टेंट साइकिल्स, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है उसका जो संबंध है वो किसके साथ में है, ये संबंध जो है वो जे आर हिक्स का है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आना चाहिए, सेकंड। उसके बाद में एक्सेलरेशन मल्टीप्लायर इंट्रैक्शन अप्रोच, गुणक और त्वरक की जो परस्पर क्रिया है, तो ये था प्रोफेसर सैमुएलसन का। उसके बाद में आएगा वन। उसके बाद में कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसका है, कालडोर का है। तो फिर आना चाहिए हमारे पास में थ्री। और उसके बाद में रियल बिजनेस साइकिल जो कंसेप्ट है जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने रॉबर्ट जे बेरो उनके द्वारा दिया गया था। तो फिर आना चाहिए हमारे पास में फोर ऑप्शन। तो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, 2, 1, 3, 4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13th, एज्यूमिंग फिक्स्ड प्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कि जब हम स्थिर कीमतों की बात करते हैं, स्थिर कीमतों की मान्यता लेते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट हमको दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फ्लेटर द आईएस कर्व। जब आईएस वक्र क्या होता है, फ्लेटर होता है, तो उस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव फ्लेटर द एलएम कर्व। जब एलएम कर्व जो है वो फ्लेटर होता है तो उसमें फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव कम होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम कह सकते हैं ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव फ्लेटर द एलएम कर्व। ठीक है, जब हमारा जो एलएम कर्व है वो फ्लेटर होगा तो उस कंडीशन में जो फिस्कल पॉलिसी है वो ज़्यादा सक्सेस होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या हमारा, मॉनेटरी पॉलिसीज इन इफेक्टिव एंड फिस्कल पॉलिसीज फुली इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप। जब लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन होती है तो उस समय मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव होती है, अप्रभावी होती है मौद्रिक नीति, जबकि लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में जो राजकोषीय नीति है वो पूरी तरीके से प्रभावी होती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही है, 1, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 14th, मैच आइटम गिवन इन लिस्ट वन विद दोज गिवन इन लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में कुछ आइटम हमको दे रखे हैं या कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, उनको हमको सेकंड के साथ में मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री थ्योरी अप्रोच जो है वो किसने दी थी, बोमोल ने दी थी, W बोमोल। तो हमारा जो फर्स्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या आएगा, 4 आना चाहिए। उसके बाद में लिक्विडिटी प्रिफ्रेंस एज बिहेवियर टुवार्ड रिस्क, जो तरलता पसंदगी है जोखिम के संदर्भ में व्यवहार है, ये जो कॉन्सेप्ट वो किसका है, टोबिन का है। तो फिर आना चाहिए हमारे पास में 3। 4 के बाद में आएगा 3। उसके बाद में मनी एज ए टेम्परेरी परचेजिंग पावर, ठीक है, जो मुद्रा है वो परचेजिंग पावर के लिए यूज़ की जाती हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ में संबंधित करता है, इनमें से फ्रीडमैन के साथ में। फिर आएगा 2 और फिर
स्पेकुलेटिव डिमांड जो मुद्रा की सट्टा मांग है वो प्रोफेसर जे एम किन्स की जो थ्योरी है उसके साथ में संबंधित है। तो हमारा जो सही ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 4-3-2-1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4-3-2-1। नेक्स्ट हमारा है 15th, विच कंट्री स्टैंड एट द टॉप इन 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग ऑफ 189 कंट्रीज इन एसडीआई रिपोर्ट 2019। 2019 की जो एसडीआई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग दी गई है 189 कंट्रीज की, तो सबसे टॉप पर कौन सा कंट्री है। चार ऑप्शन हमारे पास में है। तो 2019 की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, 1990 से यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे। ठीक है, इसको जो रैंक दी गई है वो फर्स्ट रैंक है और जो नंबर दिए जाते हैं 0.95 नंबर इनको दिए गए हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन आता है, स्विट्जरलैंड है। थर्ड नंबर पर आयरलैंड है और फोर्थ रैंक किसकी है, जर्मनी की है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 189 जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, 129। उससे पहले अगर 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी, 130। और इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितनी थी, 131। तो 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 129 नंबर पे है। और टोटल कंट्रीज कितने हैं, 189। नेक्स्ट है 16, बाय एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस मिंट, लेविस का जो आर्थर लेविस हैं उनका जो सिद्धांत है असीमित पूर्ति का। ठीक है, जो लेबर हैं उनकी पूर्ति क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कहाँ पे होती है, जिन कंट्रीज में लार्ज पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो लेबर हैं उनकी सप्लाई क्या होती है, अनलिमिटेड। ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, 1954 में WL लेविस, जो आर्थर लेविस उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि जो ये अनलिमिटेड सप्लाई होती है इस वजह से लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है या बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रम की जो असीमित पूर्ति हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल एट प्रीवियम वेज रेट, जो प्रचलित मजदूरी दर होती है वहाँ पर श्रम की पूर्ति क्या होती है, असीमित होती है। फिर हमारा है 17th, According to Mrs. John Robinson, the stage of golden age, John Robinson का जो आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार गोल्डन एज किसको कहा जाता है, स्वर्णिम आयु जो है वो किसको कहा जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन एज किसको कहा गया है, जब कैपिटल की जो ग्रोथ रेट है वो लेबर की ग्रोथ रेट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होते हैं, डेल्टा एन अपॉन एन इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के, ठीक है, जो लेबर की ग्रोथ रेट है और कैपिटल की ग्रोथ रेट है दोनों इक्वल होती हैं, तो इस कंडीशन को जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा था, स्टेज ऑफ गोल्डन एज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 18th, 18वां, अकॉर्डिंग टू होम सरप्लस वैल्यू शुड बी गिवन टू लेबर, ये किसका सिद्धांत है कि जो सरप्लस वैल्यू है अतिरिक्त मूल्य है वो किसको दिया जाना चाहिए, लेबर को। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो उन्होंने दी थी 1862-63 के आसपास, और उनमें बताया था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वहाँ पर लेबर को उनके वर्क के बदले में जो पेमेंट दिया जाता है वो एक तरह से क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है, और इसके बदले में जो सरप्लस वैल्यू होती है, जो कम पेमेंट उनको दिया जा रहा है वो एक तरह से किसको दिया जाना चाहिए, लेबर को दिया जाना चाहिए। तो ये कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके साथ में संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है 19th, अकॉर्डिंग टू कुज़नेट्स इनोवेशन इज, कुज़नेट के अनुसार इनोवेशन जो नव प्रवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
सी डिस्कवरी ऑफ न्यू कंजप्शन नीड्स। और अंतिम हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है द अप्रोच ऑफ सोशल ड्यूलिज्म इज कनेक्टेड विद द फॉलोइंग कंट्री। जो सोशल द्वैतवाद हैं, सामाजिक द्वैतवाद हैं, जो कंसेप्ट दिया गया था जूलियस हर्मन बुक के द्वारा, उन्होंने इसको डेवलप किया था और इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सोशल सिस्टम होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमारा किसके साथ में संबंधित हैं, इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे भी हम और भी कंसेप्ट हैं वो उनको देखेंगे।